आज की वीडियो में हम जानेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी कल के दिन किस तरह से बिहेव कर सकती है, कहाँ पे हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, कहाँ पे एंट्री और एग्जिट पॉइंट होना चाहिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या बन रहे हैं, ऑप्शन चंडिता देखेंगे, ऑप्शन चंडिता के हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या बन रहा है, चार्ट पैटर्न क्या कह रहा है, ये सारी डिस्कशन हम वीडियो में करने वाले, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए। कल के एनालिसिस वीडियो में मैंने बताया था बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है, और कल के एनालिसिस वीडियो में मैंने क्लियरली बताया था कि एक डब्लू पैटर्न बन के निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी में, और अगर डब्लू पैटर्न यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो हमें एक मोमेंट देखने को मिलेगा, और बिल्कुल मार्केट में आप देख पा रहे अच्छा खासा मोमेंट हमें देखने को मिला। मार्केट ने जो है 400 से 500 पॉइंट का मोमेंट हमें दिखाया है यहाँ पे आज के दिन, और बिल्कुल बहुत ही बढ़िया जो है मोमेंट हमें देखने को मिला। अब कल के दिन क्या हो सकता है ये हम डिस्कशन करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे कि मैंने बताया था कि एक ब्रेकआउट होने के बाद एक अच्छा मोमेंट आएगा, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट हुआ, और रिट्रेसमेंट होने के बाद मार्केट जो है इस तरह से मोमेंट हमें दिखा सकती है, तो ये डब्लू पैटर्न जो है सक्सेसफुल हो जाएगा, जो मैंने आपको कल के एनालिसिस वीडियो में बताया था ये डब्लू पैटर्न बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएगा अगर इस तरह का मोमेंट आता है। तो लेवल्स क्या बनेंगे ये हम जान लेते हैं। लेवल्स बनने वाले हैं यहाँ पे, पहला जो रेजिस्टेंस बनने वाला है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे गैप फिल है, गैप मैंने बताया था आपके कल के एनालिसिस वीडियो में बताया था कि गैप फिल हो सकता है, और उसे पहले के एनालिसिस वीडियो में भी बताया था कि गैप फिल हो सकता है, लेकिन मार्केट जो है स्लोली स्लोली गैप फिल कर सकती है, ये भी मैंने बताया था, और मार्केट ने देखिए आज के दिन आधा ही गैप फिल किया है, आधा गैप फिल करके मार्केट डाउन साइड आई है। तो कल के दिन अब क्या हो सकता है ये हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, गैप फिल का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होती है, अपसाइड निकलती है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर जाती है, तो हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस होने वाला है 51,323 का, जो एक गैप फिलिंग का रेजिस्टेंस है। यहाँ तक मार्केट आ सकती है, यहाँ तक आने के बाद फिर से एक डाउन साइड का मूवमेंट भी हमें देखने को मिल सकता है, या तो फिर यहाँ तक आने के बाद इस रेजिस्टेंस को ब्रेक भी कर सकती है, इस तरह से फिर से हमें एक अपसाइड का रैली देखने को मिल सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो हमें पहला टारगेट हमारा यही होने वाला है 51,323 का, उसके बाद दूसरा टारगेट हमारे पास 51,605 का होने वाला है, और 51,876 का हमारे पास नेक्स्ट टारगेट होने वाला है। तो ये तीनों ही टारगेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बैंक निफ्टी में। नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो 200 दिन की मूविंग एवरेज और 50 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे जैसे मार्केट सस्टेन करने लग जाएगी, हम पुट साइड एंट्री तुरंत नहीं लेंगे दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाएगा अगर हम पुट साइड एंट्री लेते हैं। क्यों रिस्की होगा ये भी मैं आपको बता देती हूँ, क्लियरली मैं आपको वीडियो में सब कुछ सिखाने की कोशिश करती हूँ दोस्तों, तो सीखिए समझिए कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकती है, कैसे बिहेव करती है, और किस तरह से हमें बचना चाहिए ट्रैप होने से, ये सब कुछ मैं सिखाने की कोशिश करती हूँ। तो सीखना आपके लिए ज़रूरी है, इसीलिए मैं डीपली आपको सब कुछ बताती हूँ। यहाँ पर देखिए 50 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे अगर मार्केट आ भी जाती है तो ये ट्रेंड लाइन आप देख पा रहे, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बना रखी है ये ट्रेंड लाइन तक आएगी मार्केट, यहाँ पे सबको ट्रैप करेगी, और ट्रैप करके यहाँ से सपोर्ट लेके अपसाइड निकल जाएगी, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो हमें पुट साइड एंट्री यहाँ पे नहीं लेना है। हम पुट साइड एंट्री कब लेंगे, जब मार्केट इस लेवल के नीचे, इस लेवल के नीचे आ जाए ना, इस लेवल के नीचे जो है 50,223 का लेवल, इस लेवल के नीचे जब तक मार्केट नहीं आती इस तरह से प्रोजेक्शन के साथ, तब तक हम पुट साइड एंट्री यहाँ पे कहीं पे नहीं लेंगे। अगर आप यहाँ पे कोई भी पुट साइड की एंट्री बनाते हो ना, तो आप यहाँ पे ट्रैप हो जाओगे, बिल्कुल ट्रैप हो जाओगे। मार्केट ट्रैप करने के लिए ही चलती है, मार्केट फंसाने के लिए ही चलती है, तो हमें उससे ही बचना है। अगर आप उससे बचना सीख गए, ट्रैप से बचना सीख गए, तो आप एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट से निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये लेवल जो, ये जो जोन मैंने बताया, ये जोन में हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, ये जो जोन है ना यहाँ पे कोई भी ट्रेड मत लीजिएगा, जब तक इस सपोर्ट के नीचे मार्केट सस्टेन नहीं करने लग जाती तब तक हम पुट साइड की एंट्री नहीं लेंगे। चलिए नीचे की तरफ लेवल्स क्या बन रहे हैं वो मैं बता देती हूँ। 50,223 का पहला सपोर्ट है, नेक्स्ट सपोर्ट हमारे पास 49,824 है, उसके बाद 49,708 है, और उसके बाद 49,542 का लेवल बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितने भी बायर्स ने एंट्री ली है ना, यहाँ पे उनके स्टॉप लॉस है, तो हो सकता है मार्केट डाउन साइड आए, डाउन साइड आने के बाद इनके स्टॉप लॉस हिट करे और फिर यहाँ से एक रिकवरी फिर से दिखा दे, तो ऑलरेडी यहाँ से रिकवरी आई हुई है आप देख पा रहे हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है।
तो ये मार्केट का सिनेरियो है बैंक निफ्टी का। नीचे की तरफ अगर हम लास्ट सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे लास्ट सपोर्ट बन रहा है 49,118 का, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, सारी की सारी पॉसिबिलिटी मैंने आपको बता दी बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी किस तरह से मूवमेंट कर सकती है। ट्रेंड लाइन अगर आपने ड्रॉ नहीं की अपने चार्ट में तो यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी का निफ्टी का चार्ट अगर हम ओपन करें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो निफ्टी में आप देख पा रहे हैं कि आज के दिन निफ्टी ने क्या किया, थोड़ा सा अपसाइड का रैली दिखाया और उसके बाद जो है साइडवेज हो गई है। निफ्टी में ये जो गैप था ये गैप फिल हो चुका है, और गैप फिल करने के बाद आप देख पा रहे हैं निफ्टी जो है ज़्यादा अपसाइड मूवमेंट नहीं दिखा पा रही है, ठीक है। तो अगर निफ्टी में हमें अपसाइड एंट्री लेनी है तो हम कहाँ पे ले सकते हैं, ये हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपसाइड एंट्री लेने के लिए निफ्टी को यहाँ से इस लेवल को ब्रेक करना होगा जो है 24,736 का लेवल। ये अगर ब्रेक हो जाएगा इस तरह से तो हम अपसाइड एंट्री ले सकते हैं, तब तक हम अपसाइड एंट्री नहीं लेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे निफ्टी साइडवेज चल रही थी, तो हो सकता है इस जोन में फिर से आने के बाद निफ्टी यहाँ पे साइडवेज हो जाए, तो यहाँ पे हमें फंसना नहीं है। अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं निफ्टी में, 10 से 15 पॉइंट निकालना चाहते हैं, बिल्कुल यहाँ पे स्कैल्पिंग कर सकते हैं। लेकिन बड़े टारगेट के लिए अगर जाना चाहते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल भी मत फंसिएगा निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी जो है यहाँ पे ट्रैप कर सकती है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे साइडवेज चली है पहले हिस्ट्री की बात करें तो। तो ये एक स्ट्रेटजी बना के रखिएगा, ट्रैप में बिल्कुल भी मत फंसेगा। चलिए ऊपर की तरफ देख लेते हैं, ऊपर की तरफ लेवल्स क्या बन रहे हैं निफ्टी में। रेजिस्टेंस, पहला जो रेजिस्टेंस है 24,736 का है, उसके बाद जो अगला रेजिस्टेंस है 24,853 है, और उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस डायरेक्टली हमारे पास बन रहा है निफ्टी में जो है 25,075 का। यहाँ तक का मूवमेंट हमें निफ्टी में देखने को मिल सकता है। अगर निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं निफ्टी में भी एक अच्छा खासा गैप छूटा हुआ है। यहाँ पे देखिए ये गैप छोड़ा हुआ है निफ्टी ने, तो ये गैप फिल करने भी निफ्टी आ सकती है अगर अपसाइड निकलती है तो, ठीक है। नीचे की तरफ अगर निफ्टी में बात करें तो नीचे की तरफ फ्लैट ओपनिंग होने के बाद निफ्टी अगर डाउन साइड आती है, 50 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक होने का वेट कीजिएगा, और ये जो सपोर्ट है निफ्टी में बना हुआ 24,634 का, ये भी ब्रेक होने का वेट कीजिएगा। अगर इस तरह से ये ब्रेक हो जाता है तो हम यहाँ पे कहीं पे ट्रेड बना सकते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है निफ्टी में, जो मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ कि ये एग्जैक्टली लेवल कौन सा है, ठीक है। लेवल में बना के दिखा देती हूँ आपको, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, देखिए ये वाला 24,547 का इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। तो ये सपोर्ट जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक हम पुट साइड एंट्री नहीं ले सकते दोस्तों। पुट साइड एंट्री लेने के लिए हमें इस सपोर्ट के ब्रेक होने का वेट करना है, ये सपोर्ट ब्रेक होने के बाद ही हम पुट साइड एंट्री ले सकते हैं। पहला टारगेट हमारा 24,418 का रहेगा, नेक्स्ट टारगेट हमारे पास 24,343 का रहेगा, और अगला टारगेट हमारे पास ये लेवल निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये लेवल भी मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, ये वाला लेवल, तो ये लेवल है हमारे पास निफ्टी में नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ मैंने बता दिया आपको लेवल सारे के सारे। नेक्स्ट नीचे की तरफ लेवल की बात करूं तो यहाँ पे इसके बाद जो लेवल बन रहा है वो है 24,130 का लेवल। तो ये सारे लेवल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, अगर निफ्टी डाउन साइड आती है तो यहाँ तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। और अगर बात करें यहाँ पे तो स्टॉप लॉस आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, तो निफ्टी अगर डाउन साइड आती है तो बायर्स की स्टॉप लॉस हिट कर सकती है। सेलर्स के स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस है, अगर निफ्टी अपसाइड जाती है तो सेलर्स के स्टॉप लॉस भी हिट कर सकती है। दोनों ही पॉसिबिलिटी है, दोनों ही पॉसिबिलिटी में कुछ भी हो सकता है। मूविंग एवरेज देख पा रहे हैं, मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हुआ, क्रॉस ओवर होने के बाद मार्केट ने एक अप ट्रेंड दिखाया, एक रैली दिखाई। तो क्रॉस ओवर की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी क्रॉस ओवर की वीडियो, उसमें सिखा रखा मैंने कि क्रॉस ओवर होने के बाद किस तरह से मार्केट बिहेव करती है और किस तरह से हमें प्रॉफिट निकालना चाहिए। तो यहाँ पे क्रॉसओवर की वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न है वो सारे कैंडलस्टिक पैटर्न की वीडियो मैंने बना रखी है, किस तरह से कैंडलस्टिक पैटर्न वर्क करती है, कब वर्क करती है, कब वर्क नहीं करती, वो सब कुछ मैंने सिखा रखा है वीडियो में। वीडियो जाके देखिए, चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। गैप अप गैप डाउन की स्ट्रैटेजी मैंने सिखा रखी है, गैप अप और गैप डाउन में आप किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हो, अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो, वो मैंने सिखा रखा है। स्कैल्पिंग की वीडियो मैंने बना रखी है, स्कैल्पिंग करके भी आप डेली बेसिस पे प्रॉफिट निकाल सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें
9:30 की स्टडी सिखा रखी है, वॉल्यूम इंडिकेटर नीचे देख पा रहे हो, वॉल्यूम इंडिकेटर की भी स्टडी मैंने सिखा रखी है, RSI की स्टडी सिखा रखी है, बोलिंजर बैंड की स्टडी सिखा रखी है। उसके बाद अगर हम बात करें MACD की स्ट्रैटेजी मैंने सिखा रखी है, NR7 की स्ट्रैटेजी मैंने सिखा रखी है, इंडिया विस्क की स्ट्रैटेजी मैंने सिखा रखी है, जितने भी EMA है, EMA जितनी भी है, 200 दिन की मूविंग एवरेज, 50 दिन की मूविंग एवरेज, दोनों ही मूविंग एवरेज के बारे में वीडियो बना रखी है, प्लस 9 EMA, 20 EMA, 50 EMA, 200 EMA, जितने भी EMA है वो सारी EMA के बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, जाके देखिए, चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको सारी वीडियोस। M पैटर्न, W पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, जितने भी चार्ट पैटर्न है जो वर्क करते हैं मार्केट में, वो सारे चार्ट पैटर्न के बारे में भी मैंने वीडियो बना रखी है, उन वीडियो को भी आप जाके देख सकते हो, चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी वीडियोस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से वर्क करते हैं लाइव मार्केट में, आपको कैसे ड्रॉ करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो भी मैंने सिखा रखा है वीडियो में, वीडियो को जाके देख सकते हो आप चैनल के प्लेलिस्ट में, वो वीडियो भी मिल जाएगी। साइडवेज मार्केट से किस तरह से बचा जाए उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को भी आप जाके देख सकते हो। इंडिकेटर बता रखा है वीडियो में, उस इंडिकेटर को यूज़ करके आप साइडवेज मार्केट से भी बच सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग किस तरह से की जाती है वो भी मैंने वीडियो बना रखी है, स्विंग ट्रेडिंग करके भी आप अच्छा प्रॉफिट मंथली बेसिस पे निकाल सकते हो, वो वीडियो मैंने सिखा रखा है, जाके आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। ठीक है, ऑप्शन चंडेता देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन चंडेता की बात करें तो ऑप्शन चंडेता की भी मैंने वीडियो बना रखी है, ऑप्शन चंडेता को देख के आप डेली बेसिस पे किस तरह से बढ़िया सा प्रॉफिट बना सकते हो, वो भी मैंने वीडियो में सिखा रखा है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सेटअप क्या होना चाहिए, वो सब कुछ मैंने वीडियो में सिखा रखा है, जाके देख सकते हो वीडियो में, चैनल के प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। थोड़ी सी वीडियोस आई बटन में दे रखी है, थोड़ी सी वीडियोस एंड स्क्रीन में मिल जाएगी आपको, थोड़ी सी वीडियोस डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, सारी की सारी वीडियो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ज़रूर जाके देखिए, जो मैंने दे रखी है वो भी वीडियो इज इम्पॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन चंडिता यहाँ पे क्या कह रहा है। निफ्टी का ऑप्शन चंडिता अगर हम देखें तो निफ्टी में आप देख पा रहे क्लियरली हमें नज़र आ रहा है कि 24,500 पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है, प्लस 24,700 पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बैठा हुआ है। अगर 24,700 ब्रेक हो गया तो नेक्स्ट लेवल हमें 24,500 निफ्टी में देखने को मिलेगा। बीच में एक लेवल है जो है 24,600 का, यहाँ पे भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है, तो एक 24,600 रोकने की कोशिश कर सकता है, लेकिन अगर 24,600 ब्रेक हो गया तो डायरेक्टली हमें निफ्टी जो है 24,500 जाते हुए नजर आएगी, जैसे कि मैंने चार्ट में बताया। ठीक है, ऊपर की तरफ बात करें तो ऊपर की तरफ आप देख पा रहे हैं अच्छा ओपन इंटरेस्ट मुझे यहाँ पे 24,800 पर नज़र आ रहा है, उसके बाद डायरेक्टली 24,900 है, और उसके बाद आप देख पा रहे तगड़ा ओपन इंटरेस्ट मुझे 25,000 के लेवल पे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अगर मार्केट अपसाइड निकलती भी है तो एक लेवल है 24,800 का, ये रोक सकता है। अगर 24,800 ब्रेक हो गया तो डायरेक्टली हमें 24,900 देखने को मिलेगा, 24,900 ब्रेक हो गया तो डायरेक्टली मार्केट जो है 25,000 के लेवल तक आते हुए नज़र आ जाएगी। ये अभी तक ऑप्शन चंडेता कह रहा है, वैसे ऑप्शन चंडेता लाइव मार्केट में अपडेट होता रहता है, तो हमें लाइव मार्केट में ही पहचानना ज़रूरी है, तभी आप एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो। बैंक निफ्टी का चार्ट हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, बैंक निफ्टी का ऑप्शन चंडेता, ऑप्शन चंडेता में आप देखें बैंक निफ्टी में तो अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट मुझे यहाँ पे 50,500 पर नज़र आ रहा है, 50,400 पर नज़र आ रहा है, और ऊपर की तरफ देखें तो 51,000 का लेवल तगड़ा रेजिस्टेंस के साथ बैठा हुआ है। तो अगर मार्केट अपसाइड निकलती है तो 51,000 का लेवल टच करके डाउन साइड आ सकती है, और अगर मार्केट डाउन साइड निकलती है तो पहला लेवल 50,500 का, दूसरा लेवल 400 का, ये दोनों ही लेवल टच करके अपसाइड निकल सकती है, फिर से एक रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है इन लेवल से। ठीक है, तो ये एनालिसिस है निफ्टी और बैंक निफ्टी की। डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कॉल पुट के लिए बिल्कुल भी मत आइएगा दोस्तों, कॉल पुट में बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करती हूँ। हाँ, हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं मार्केट को, तो बिल्कुल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कोर्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप हमारा कोर्स भी ले सकते हैं। तो यही था दोस्तों वीडियो में, वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक भी वीडियो मिस ना हो, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।